हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एसएससी सीजीएल एक्सपीरियंस चैनल। आज मैं द हिंदू के वर्ड मीनिंग की बात करूंगा। फर्स्ट मीनिंग है क्रम्बल। क्रम्बल मतलब जर्जर होना या टूटना, मतलब इस सिनोनिम्स होगा डिसइंटीग्रेटिंग, कोलैप्सिंग, डिलैपिडेटेड, ठीक है। एंटोनिम्स होगा एंसीपेंट या बिल्ड या कॉन्ग्रीगेट, मतलब इकट्ठा करना या बनाना कह सकते हो, ठीक है, इसका एंटोनिम्स है। सेकेंड है एडिफिस, मान्यताओं की जटिल प्रणाली, फंडामेंटली ऑर्थोडॉक्स, यानी कि बहुत ही मतलब जटिल मान्यताएँ हों जहाँ पर, ठीक है। एंटोनिम्स होगा इम्प्रॉपर या अनकन्वेंशनल, ठीक है, जहाँ कोई मान्यता नहीं होती है। थर्ड है यूफेमिज्म या प्रयोग की अच्छी और सुखद भाषा, यानी जो अच्छी लगे, पोलाइट टर्म हो सकता है। सिनोनिम्स उसका और सॉफ्टनिंग एंड जेंटिलिज, ठीक है। एंटोनिम्स डिसफेमिज, कैलिंग, स्पीड, स्पीड, ठीक है, यानी कि जो सुखद भाषा ना हो। गैग, गैग मतलब होता है ब्लॉक, सिनोनिम्स उसका है ब्लॉक या स्टिफ, सप्रेस, सबड्यू, डिस्टेंस। गैग का मतलब होता है से जबरदस्ती दबाव डालना किसी पे। एंटोनिम्स उसका एनकरेज, गिव एडवाइस टू, स्टिमुलेट या अराउज। फिफ्थ प्रोटिक, यानी कि सार्थ आश्रित। सिनोनिम्स का स्टूडेंट या ट्रेनिंग डिपेंडेंट या फोस्टर, यानी कि ट्रेनिंग यानी किसी पे डिपेंड हो या किसी के पर डिपेंड हो। एंटोनिम्स उसका होगा मेंटर, गार्जियन, एडवाइजर एंड प्रिसेप्टर, ठीक है। सिक्स्थ है स्टीम रोल, मतलब विवश करना या बाध्य करना। सिनोनिम्स से कॉम्पेल, रिक्वायर्स, ड्राइव, यानी किसी फोर्स डालना किस कार्य करने के लिए। एंटोनिम्स है डिकम्प्रेस या रिस्ट्रेंट, ठीक है। सेवेंथ है ओब्लिवियस, बेखर, बेखबर या सुनिश्चित, ठीक है। सिनोनिम्स है अनअवेयर, हेडलेस, अनकंसर्न, नेसेसिस। एंटोनिम्स माइंडफुल, कॉन्शियस, ऑब्जर्वेंट, अटेंटिव। एट्थ है इवोकेटिव, यानी विचारों, तो जिसके विचारों से मतलब बहुत ही उत्साह हो। सिनोनिम्स है एक्सप्रेसिवली, प्रेजेंटली, रेमिनिसेंट। एंटोनिम्स फॉरगेटफुल, नेग्लिजेंट एंड थॉटलेस। नाइन्थ है मैलेड्राइट, मतलब एक्वर्ड, ठीक है, क्लम्सी या क्लंकी। एंटोनिम्स स्केल या टैक्टफुल। प्रॉफिटियरिंग, डिसऑनेस्ट। सिनोनिम्स अनएथिकल या अनस्क्रपुलस। एंटोनिम्स होगा मॉरल या एथिकल। इलेवेंथ है स्नूप, इंट्रूड, यानी पीप या प्री, यहीं पे झांकना है कुछ, मतलब शिकार टाइप का करना, ठीक है। एंटोनिम्स इग्नोर कर देना या निग्लेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होना होता रहता है, को लोग सोचते हैं। ट्वेल्थ है एंशियस, मतलब स्नीकी। सिनोनिम्स उसका फॉक्सी या एंस्नेयरिंग, ठीक है। एंटोनिम्स है फेयर या ऑनेस्ट, यानी ईमानदार, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।